अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ अपने घर में। और आज संडे का दिन है और छुट्टी का दिन है, तो मैं बस अभी आज दाल बना रही हूँ, मिक्स दाल बना रही हूँ। और उसके साथ में मैं बनाऊँगी, और दाल के साथ में मैं बनाऊँगी गवार की सब्ज़ी। और आज मच्छी बहुत महंगी है तो मच्छी मिली नहीं है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, ये मेरे बकरी ईद के एक हफ़्ते पहले का वीडियो है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, और उसके बाद भी मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, कोई वीडियो नहीं बनाई थी, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो बस आज मैं अपना ये वीडियो वॉइस ओवर करके वीडियो अपलोड कर दूँगी। और बस आज मैं ये दाल बनाई हूँ। दाल में मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है, हल्दी नमक डाल के मैं इसे उबाल लूँगी। और ये आप लोग देख रहे हैं क्या है, ये नींबू है, ये यहाँ का नींबू नहीं है, आसाम का नींबू। हस्बैंड जी के ऑफिस में कोई उनका फ्रेंड वहाँ से आया था, तो उसने वहाँ से लाया था, तो वो हमको भी दिया था उसने। जो उस दिन पहले उसने चाय की पत्ती भी वहाँ की दी थी तो वो भी बहुत अच्छी थी। और ये भी ट्राई करके देखेंगे ये कैसा है। ये नींबू वहाँ पर वो लोग दाल चावल बनाते हैं तो उसके साथ में कट करके उसे चबा कर खाते हैं, तो ज़्यादा खट्टा नहीं होता है इसलिए उसे वो लोग चबा कर खाते हैं। तो हम लोग तो यहाँ पर निचोड़ कर उसे यूज़ करते हैं। और आज संडे के दिन सुबह मेरी हेल्पर भी आके पूरा काम करके जा चुकी है, तो अभी बस मैं ये सब पसारे जो रखे हुए सब अपनी जगह पे लगा दूंगी। और डस्टबिन भी उसने अच्छी तरह से वॉश कर दिया था तो मैंने सूखने के लिए रख दिया यहाँ पर पंखे में। और बारिश भी हल्की हो रही है और अंधेरा भी हो चुका है, गर्मी का मौसम भी ख़त्म हो चुका है, अच्छी खासी ठंडक हो चुकी है बारिश की वजह से, और मौसम अच्छा खासा हो चुका है। और बस यहाँ पर अभी मैं सब्ज़ी बना रही थी तो मैंने गवार को तो मैंने कट कर लिया था, और अभी यहाँ मैं दो प्याज मैंने बारीक काटी है। हरी मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं आप। और लहसुन को मैंने छिलके के साथ में ही कूट लिया है, उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है उसमें। तो तेल मैंने गरम कर लिया था, अब उसमें मैं प्याज डाल दिया है मैंने, और अभी इसे मैं कच्चा पक्का थोड़ा सी लाल कर लूँगी। और बहुत अच्छी लगती है ये, टिफ़िन वगैरह में भी सुबह में देंगे तो मैं अक्सर हस्बैंड जी को और मेरे बेटे को ये देती हूँ टिफ़िन में, तो ये टिफ़िन में भी बहुत अच्छी लगती है, मतलब सूखी रहती है तो अच्छी खाई जाती है, उसका तेल वगैरह भी टिफ़िन में गिरता नहीं है, और रोटी के साथ में ये लोग वहाँ पर खा लेते हैं। और यहाँ दाल भी मेरी बॉईल हो चुकी है। आप लोग बोलेंगे मैंने दाल में कुछ डाला नहीं है, तो मैं दाल में अभी जब बघार करूँगी तो उसमें सारे मसाले डालूँगी। और यहाँ पर प्याज भी लाल हो चुकी थी तो मैंने इसमें नमक डाला है, हल्दी डाली है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं आप। और बस इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी। और गवार को भी मैंने काटा था और आलू भी मैंने थोड़े से काट लिए थे, और इसमें ग्रीन मटर भी मैं डालती हूँ, आज मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है, अगर आपके पास होगी तो आप डालेंगे तो बहुत अच्छी लगती है मटर के साथ में ये सब्ज़ी। बस इसे भी थोड़ा मैं अभी मिक्स करके स्लो पे पकने के लिए रख दूँगी, और मैं टमाटर इसमें बाद में डालूँगी, टमाटर इसमें शुरू में नहीं डालना है। और यहाँ पे दाल भी मेरी बॉईल हो चुकी है, अभी इसे अच्छी तरह से मैं घोट लूँगी। और पानी इसमें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कितनी गाढ़ी चाहिए, पतली चाहिए, मैं तो थोड़ी गाढ़ी बनाती हूँ क्योंकि रोटी के साथ में खाएंगे तो अच्छी लगती है, पतली दाल रोटी के साथ में अच्छी नहीं लगती है, तो मैं थोड़ी उसे गाढ़ी ही रखती हूँ। और बस इसमें मैंने अभी एक चम्मच धनिया ज़ीरा भुना हुआ पाउडर डाला है, इसे भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी, और हाई फ्लेम पर इसे भी मैं बॉईल करूँगी। और तीन चार हरी मिर्ची डालूँगी, मैंने तीन डाली है यहाँ पर, आप हरी मिर्ची भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और इसे भी हिला लूँगी। और यहाँ पर ये देखिए कच्ची भी हो चुकी है, अभी कच्ची पत्ती पत्ती थी तो मैंने इसमें एक टमाटर बारीक काट के डाल दिया है। और शुरू में जब डालते हैं तो फिर वो गवार और आलू जल्दी गलते नहीं है, इसके लिए मैं टमाटर बीच में डालती हूँ, थोड़ा कच्ची पक्की पक जाएंगी उसके बाद में मैं टमाटर डालती हूँ। और अभी थोड़ी देर इसे और पकाऊंगी मैं ताकि अच्छी तरह से सब्ज़ी गल जाए। और दाल भी मैंने वहाँ पे अच्छी जोश कर ली थी और बॉईल अच्छी तरह से आ गया था उसमें। और अभी मैं तेल में राई और ज़ीरा डाल दिया है मैंने, और एक प्याज को मैंने चॉपर में बारीक काट लिया, उसी में मैंने चार पाँच लहसुन की कली को भी चॉप कर लिया है साथ में, और वो भी इसमें मैं डाल दूंगी। और ये बघार में फास्ट हाई फ्लेम पर ही पकाऊंगी, स्लो पे नहीं पकाना है इसे, हाई फ्लेम पर ही इसे पका लूंगी मैं। और यहाँ पे ये सब्ज़ी भी पक चुकी थी तो मैंने इसमें थोड़ा सी अभी कसूरी मेथी डाली है, इसे भी थोड़ी देर मैं मिक्स कर लूंगी। और बस अभी 5 मिनट के बाद मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, और ये अच्छी तरह से भी पक चुकी है,
5 मिनट थोड़ा इसे और पका कर चूल्हा में बंद कर दूंगी। और यहाँ पर बघार की प्याज भी लाल हो चुकी थी तो मैंने इसमें टमाटर बारीक काट के डाला है। प्याज को एकदम लाल नहीं करना है, बस इसे ऐसे ही कच्चा पक्का रखना है। और थोड़ा सी कड़ी पत्ता डालेंगे और अभी हाई फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। और थोड़ी सी लाल मिर्ची और हरी मिर्ची अभी मैं डालूंगी इसमें। ये धनिया ज़ीरा भुना हुआ पाउडर मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच। और बहुत अच्छी लगती है दाल, आप ज़रूर बना के देखना। और रोटी के साथ तो बहुत अच्छी लगती है, अगर सब्ज़ी नहीं भी हो तो दाल और रोटी सिर्फ खा सकते हैं, इतनी अच्छी बनती है दाल। और अभी इसमें हरी मिर्ची भी मैंने डाल दी है, लाल मिर्ची भी डाल दी है मैंने। आप चाहें तो इसमें और मसाले भी ऐड कर सकते हैं, जैसे लाल मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्ची होती है, कुटा हुआ धनिया होता है, वो भी डाल सकते हैं आप इसमें। और अभी लाल मिर्ची मैंने 1 चम्मच डाली है और कसूरी मेथी डाली है। और उसके बाद में मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, क्योंकि इसको पकाएंगे तो फिर उसका जलने की स्मेल आ जाती है, तो बस चूल्हा मैं बंद कर दूंगी। और ये बघार तैयार हो चुका है और अभी इसे मैं दाल में डाल दूंगी। और दाल भी यहाँ पर पक चुकी है और खाने के लिए भी सब तैयार बैठे हैं, तो लेट भी हो गया था, संडे के दिन अक्सर लेट हो जाता है, तो बस अभी हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। और यहाँ टीवी पे पिक्चर लगी हुई थी तो बस पिक्चर देखते हुए खाना खा रहे थे। और संडे का दिन है तो हस्बैंड जी का तो टाइम पास नहीं होता है, तो थोड़ा टीवी वगैरह देख लेते हैं, मैं तो काम में रहती हूँ तो मेरा पूरा संडे का दिन पूरा काम में ही चला जाता है। और हस्बैंड जी का टाइम पास नहीं होता तो वो थोड़ा बहुत पिक्चर वगैरह देख लेते हैं, तो बस वही खाना खाते खाते हम लोग ये पिक्चर देख रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद मुझे मार्केट भी जाना है, तो थोड़ा बस खाने के बाद मैं थोड़ा काम करके मैं मार्केट चले जाऊँगी। मैं बेटी के लिए मुझे कुछ कपड़े वगैरह लेने हैं, तो मैं आपको दिखाऊँगी मैंने कहाँ से कपड़े लिए हैं, क्या कैसे लिए हैं, वो भी आप लोगों को मैं बताऊँगी। और यहाँ पर खाना भी बहुत अच्छा बना था, सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनी थी और दाल भी, वो मसाले वाली दाल अक्सर अच्छी बनती है और उस मसाले वाली दाल में भी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, तो आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना उसको। और यहाँ मैं मार्केट आ चुकी थी तो यहाँ पे मैं ड्रेसेस वगैरह देख रही थी, तो ये जो ड्रेस है ये बहुत हैवी ड्रेस थे, ये पार्टी वगैरह के लिए थे, तो मैंने मेरी बेटी को कहा तो उसने कहा नहीं अभी ये तो नहीं चाहिए, मुझे सिंपल ड्रेसेस चाहिए, तो वो भी देख रही थी। और ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं कॉटन का, ये 600 का है, और जो वाइट कलर का जो था वो कुछ 1800 का था, वो जॉर्जेट मटेरियल में था, जॉर्जेट और नेट मटेरियल में, ये वाला ग्रीन वाला भी ये कुछ 1800 का था, और ये भी ये नेट के ऊपर पूरा वर्क करा हुआ था, ये खोल के मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये पूरा नेट के ऊपर था, तो ये तो ऐसा रफ यूज़ के लिए कुछ इतना ख़ास नहीं होता है, कुछ ऐसा पार्टी वगैरह रहे तो उसमें अच्छा लगता है। और ये कुर्ती मैंने एक पसंद की थी मेरे लिए, तो मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन मैं ले ही रही थी तो मुझे नीचे से उसकी स्लीट में कुछ उसका वर्क बराबर लगा नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा था, तो फिर मैंने नहीं लिया वो। और ये बांधनी के दुपट्टे भी बहुत अच्छे आए हैं, 500 के हैं ये, 500 के हैं, बहुत अच्छे दुपट्टे थे वो। और यहाँ मैंने आगे दुकान में से ये मटेरियल लिया है, मैं ये लेके उसका टॉप वगैरह सिलाऊंगी। और ये मटेरियल मैंने 2 लिए है, ये 100 रुपीज़ मीटर है ये, और एक दूसरा ब्लैक कलर का लिया है मैंने, वो 120 का है, ये 120 रुपये मीटर है ये। और इसका पन्ना बहुत बड़ा है, 60 का पन्ना है इसका, और बहुत अच्छा मटेरियल है, कॉटन में है ये, और वो कुछ कॉटन रियन मिक्स था वो पिंक वाला, तो बहुत अच्छा मटेरियल, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैं ये लेकर अभी इसका टॉप सिलाऊंगी मेरी बेटी का, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी ये कैसा सिला है। और ये बहुत अच्छा स्टिच हुआ था तो मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी, उसका भी एक वीडियो बनाऊंगी कि उस मैंने कैसा स्टिच कराया है उसे ये मटेरियल लेके। और ये दुकान में बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, मैं अक्सर यहीं से लेती हूँ कपड़े, अगर मुझे मटेरियल में लेना है, सूट में भी लेना है तो मैं यहीं से लेती हूँ, ज़्यादातर मटेरियल इनके पास बहुत अच्छे होते हैं, प्लेन में कलर्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, प्रिंट में आप प्रिंट में लेकर उसके ऊपर प्लेन में कोई मैचिंग का शलवार या पैंट वगैरह के लिए मैचिंग लेंगे तो वो सब मैचिंग आपको इसके पास इनके पास मिल जाएगा। और जेंट्स कपड़े भी हैं इनके पास, पैरे निज़ार के पैंट शर्ट के कपड़े,
सब कपड़े इनके पास, ये सूट्स वगैरह भी है 500 से 600 7 ऐसा 800, सब अलग अलग रेंज के हैं। और ये यहाँ पर जो सूट्स रखे हैं कॉटन के हैं, और ये एक मटेरियल है जिसमें सिर्फ टॉप का और दुपट्टे का कपड़ा है, पैंट का और लाइनिंग का कपड़ा नहीं। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, ये 1500 का है, ये भी बहुत अच्छा था इनके पास, लेकिन पार्टी वगैरह के लिए ही अच्छा रहता है। और बस वहाँ से मैंने कपड़ा ले लिया था, तो हम लोग घर पे ही जा रहे थे, तो मुझे छाँछ वगैरह लेनी थी, तो मैं यहाँ दुकान में रुक गई थी, तो छाँछ ले रही थी। और मैंने कुछ चिकन के मसाले भी लिए थे जो ख़त्म हो चुके थे घर पर, और मैं आजकल ये चिकन 65 का मसाला यूज़ कर रही हूँ। और मैंने आज रात के लिए चिकन धो के मसाला लगा के रख दिया था, अदरक लहसुन, और मैं भी रात में ये फ्राई करूँगी मसाला लगा के उसमें चिकन में। और ये छाछ भी मैंने ले ली है, छाछ भी अच्छी रहती है, ठंडा वगैरह हम लोग ज़्यादा नहीं पीते हैं, स्प्राइट वगैरह, बस ये छाछ पी लेंगे तो पेट में थोड़ी ठंडक भी रहती है और खाना भी हज़म हो जाता है, तो ज़्यादातर हम लोग छाछ ही पीते हैं घर में। और ये चिकन का मसाला आप लोग ट्राई करना, ये भी बहुत अच्छा बनता है। मैं आजकल यही मसाले में फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई करनी होती है, उसमें सिर्फ अदरक लहसुन और अंडा गरम मसाला और ये मसाला लगाना पड़ता है बस। और मैं सुबह के लिए ब्रेड भी देख रही थी, तो बस अभी यहाँ दुकान में है तो एक साथ लेके बस अब घर पे चले जाएंगे। और अंधेरा भी हो चुका था, बारिश भी होने वाली थी, तो बस जल्दी जल्दी हम लोग घर पर जा रहे थे। तो बस जी, आज की मेरी वीडियो यहीं तक की थी, मेरा व्लॉग यहीं तक का था। आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।